good morning students as we know that our chapter lines and angles is going on and till now we have done the first two exercise that is exercise 6.1 and 6.2 now let's move to the last exercise that is exercise 6.3 and uh, within one or two day we will complete our syllabus because after this a very small chapter i guess in one video we will cover it that is euclid's geometry chapter 5 is left and then we will start the revision for our pa1 exam all of you must have got the blueprint as well as the date sheet so kindly prepare accordingly and comp uh, keep completing your work it can be checked anytime <laughs> now this is exercise 6.3 so I'm first let's see in the given figure let's draw the figure first this is s this angle 135 degree this is p here it is t this is q this is r and this is 110 degree what is given that sides qp qp and qt you uh, qp and qr of the triangle pqr are produced to point s and t respectively if angle spr angle spr is 135 degree एंड एंगल पी के ऊ टी इज हंड्रेड एंड टेन डिग्री दैन वी हैव टू फाइंड एंगल पी आर के क्या निकालना है हमें ध्यान से देखिए पी आर क्यू ये एंगल निकालना है भैया हमें अब क्या निकालना है बेटा इसको एंगल मान लेते हैं वन लेट सपोज दिस इज एंगल टू एंड दिस इज एंगल थ्री तो क्या निकालना है हमें एंगल वन वी हैव टू फाइंड आउट देखा बेटा क्वेश्चन आपने क्या है कि इसमें हमें क्या क्या गिवन है एंगल एस पी आर इज गिवन हंड्रेड एंड थर्टी फाइव डिग्री देन एंगल पी के उज वन वन जीरो डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड आउट एंगल वन वी हैव टू फाइंड आउट एंगल वन अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के आपको बताया था लेकिन हम सबसे सिंपल तरीके से करेंगे जैसा आप देख पा रहे हैं कि अगर हम एंगल टू और एंगल थ्री निकाल लेते हैं अगर हम एंगल टू और एंगल थ्री की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम ऑटोमेटिकली एंगल वन की वैल्यू निकाल देंगे बट एंगल सम प्रॉपर्टी एज वी नो ओर द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ वे ट्रैंगल इज हंड्रेड एंड एटी डिग्री अब आप देखिए एंगल टू प्लस वन थर्टी फाइव डिग्री की वैल्यू कितनी होगी एंगल टू प्लस वन थर्टी फाइव डिग्री दिस इज मेकिंग अ लीनियर पेयर सो मीन्स दिस इज इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री दैट इज लीनियर पेयर सिमिलरली और फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इट सो एंगल टू विल बी वन एटी डिग्री माइनस वन थर्टी फाइव डिग्री So angle 2 is 45 degree. Similarly, angle 3 plus 110 degree is also 180 degree, that is linear pair. Angle 3 plus this one, uh, 110 degree means angle 3 plus angle PQT makes an angle or you can say makes a linear pair. So therefore the sum of the angles will be 180 degree. So now angle 3 is equal to 180 degree minus 110 degree. So angle 3 is 70. डिग्री एंगल थ्री आ गया एंगल टू आ गया नाउ, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री सम ऑफ एंगल्स कितना होता है बेटा हंड्रेड एंड एटी डिग्री दैट इज़ ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी नाउ एंगल वन हमें निकालना है वी हैव टू फाइंड आउट प्लस एंगल टू इज फोर्टी फाइव डिग्री प्लस एंगल थ्री इज सेवेंटी डिग्री दैट इज हंड्रेड एंड एटी डिग्री सो एंगल वन प्लस 70 प्लस फोर्टी दैट इज इक्वल टू 115 डिग्री सो एंगल विल बी 180 डिग्री माइनस हंड्रेड डिग्री सो एंगल इज 65 डिग्री तो यहाँ से आपका एंगल वन कितना आ गया बेटा 65 डिग्री. एक बार ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हमने क्या किया एंगल एसपीआर में गिवन था 135 डिग्री देन एंगल पीके औट इज 110 एंड डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड आउट एंगल पी आर क्यों तो हमने एंगल पी आर के को क्या मान लिया हमने एंगल वन मान लिया साथ ही साथ हमने इसको एंगल टू और इसको एंगल थ्री मान लिया ना एज वी कैन सी दैट दिस इज मेकिंग लीनियर पेयर सो यहाँ से हमारे एंगल टू की वैल्यू आ जाएगी दिस इज ऑल्सो मेकिंग लीनियर पेयर सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एंगल थ्री फ्रॉम हेयर एंड सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल इज वन एटी डिग्री बाय लीनियर पेयर क्लियर है बैठ है सम सेकेंड in the given figure let's draw the figure first this is again very good question xyz is a triangle this is o this is 62 degree here this complete angle is given 54 degree now if angle x is 62 degree and angle y is 54 degree yo and zo वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाई सेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली मतलब क्या कह रहे हो जो ये वाई ओ है ये इसका बाइसेक्टर है जेड ओ है वो इस एंगल का बाई सेक्टर है देन फाइंड ओ जेड वाई ओ जेड वाई ओ जेड वाई ये वाला एंगल हमें निकालना है जिसको हम मान लेते हैं वन एंड वाई ओ जेड वाई ओ Z, this is angle two. और क्या हो गया ये वाई ओ जेड देखिए भाई अब ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे करना है This is 62 degree, this is 54 degree. We have to find this angle one and this angle two. एंगल टू वाई ओ जेड एंड ओ अब एक बात देखिए आप सबसे पहले एक टर्म यूज हो रही है इसमें बाइसेक्टर भाई बाइसेक्टर का क्या मतलब है बाई सेक्टर का क्या मतलब है बाई सेक्टर वर्ड कहीं पे भी, भी आपका आ जाए वेदर इट इज़ अ साइड बाई सेक्टर और इट इज़ एन एंगल बाई सेक्टर मीन्स इट इज़ डिवाइडिंग इन टू टू इक्वल पार्ट्स या तो वो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी या वो किसी भी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि भाई जो वायो है वो इस पूरे एंगल को बाइसेकट कर रहा है मतलब ये पूरा फिफ्टी फोर डिग्री है तो दिस एंगल इज ट्वेंटी सेवन डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो ट्वेंटी सेवन डिग्री दोनों सत्ताईस डिग्री सत्ताईस डिग्री हो गए भाई अब एक बात देखिए पूरा एंगल एक्स कितना है हमारा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड का सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री दैट इज़ एंगल सम प्रॉपर्टी अब एंगल एक्स कितना है 62 डिग्री वाई कितना है 54 डिग्री तो यहाँ से क्या आप एंगल जेड ले आओगे भाई 180 डिग्री सो एंगल जेड कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस सिक्सटी और 54 भाई कितना होता है 116 हो जाएगा ये वन वन सिक्स डिग्री सो एंगल जेड आपका आ जाएगा यहाँ से सिक्सटी फोर डिग्री अब एंगल जेड पूरा आपका कितना आ गया सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर डिग्री आ गया और जेड हो क्या है जेडो इज द बाई सेक्टर जेड हो जेडो इज़ बेसिकली द बाई सेक्टर अब जेड हो जब बाई सेक्टर है तो हमने क्या बताया था बाई सेक्टर क्या करता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इफ़ दिस इज सिक्सटी फोर डिग्री मीन्स दिस इज थर्टी टू डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थर्टी टू डिग्री क्लियर सो देयर फोर एंगल वन इज थर्टी टू डिग्री तो भाई एक तो हमारा एंगल आ गया कौन सा आ गया ओ जेड वाई ओ जेड वाई कितना आ गया आपका थर्टी टू डिग्री उसके बाद अब आप देखेंगे इन ट्राइंगल ओ जेड वाई ओ जेड में ये ट्वेंटी सेवन डिग्री आपको ऑलरेडी आ चुका था ये क्यों आया था आपका ट्वेंटी सेवन डिग्री आपको पता है कि ट्वेंटी सेवन डिग्री ये इसलिए आया था क्योंकि ये बाई सेक्टर था तो फिफ्टी फोर डिग्री को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया ट्वेंटी सेवन डिग्री एंड ट्वेंटी सेवन डिग्री सो so नाउ इस ट्राइंगल में हम देखेंगे तीनों एंगल का सम कितना होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस ट्वेंटी सेवन डिग्री प्लस एंगल टू प्लस थर्टी टू डिग्री इज इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री तो थर्टी टू और ट्वेंटी सेवन डिग्री कितना हो गया भाई फिफ्टी नाइन डिग्री सो एंगल टू इज इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री माइनस थर्टी टू प्लस ट्वेंटी सेवन दैट इज फिफ्टी नाइन डिग्री सो यहाँ से हमारा एंगल टू की वैल्यू कितनी आ गई वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन डिग्री सो so, यहाँ से हमारे एंगल टू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा वन ट्वेंटी वन डिग्री और एंगल टू क्या था हमारा वाई ओ जेड वाई ओ जेड था हमारा एंगल टू और यहाँ से हमारी एंगल टू की वैल्यू आ गई वन ट्वेंटी वन डिग्री कैसे आई है बाय सेक्टर से हमें ये मिल गया ट्वेंटी सेवन डिग्री बाई सेक्टर से हमें ये मिल गया थर्टी टू डिग्री जब इनको हमने ऐड किया थर्टी टू और ट्वेंटी सेवन फिफ्टी नाइन होता है फिफ्टी नाइन में जब हमने माइनस किया और ये क्यों इक्वल होगा हमारा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल्स ऑन प्रॉपर्टीज हमारा तो अभी इस वीडियो हमने फर्स्ट टू क्वेश्चन करे हैं किसके एक्सरसाइज 6.3 पॉइंट थ्री के तो इसके चार क्वेश्चन आई गेस और गए आपको वो ट्राई करने हैं ये दो क्वेश्चन अच्छे से करने हैं इन दो क्वेश्चन के साथ आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करने हैं क्योंकि वो भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे और एक वीडियो और बनेगी आपकी इस चैप्टर के लाइन्स एंड एंगल्स की जिसमें हमारा जो सबसे लास्ट क्वेश्चन आई गेस्ट द सिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे और दो क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आपको ट्राई करने क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है थ्री फॉर फाइव हो जाएंगे सिक्स में को थोड़ी दिक्कत आ सकती है इसलिए उस क्वेश्चन को मैं खुद आपको कराऊंगा और इसके बाद एक हमारी वीडियो बनेगी यूकलियस जीमेट्री की देन वी विल स्टार्ट द रिविजन तो हमारा ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं नाइन्टी परसेंट जो पी ए वन का सिलेबस है मोर देन नाइन्टी परसेंट वो आपका कंप्लीट हो चुका है Now it's up to you. You have to do the revision. You have to do the practice more and more, and you have to complete the work in time. Okay, students, God bless you all. Thank you.